नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जिस स्त्री का लज्जा ही वस्त्र तथा विशुद्ध भाव ही भूषण हो, धर्म मार्ग में जिसका प्रवेश हो, मधुर वाणी बोलने का जिसमें गुण हो, वह पति सेवा परायण श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वी को पवित्र करती है। भगवान शंकर महर्षि गर्ग से कहते हैं, जिस घर में सर्व दुष्ट गुण संपन्नता नारी सुख पूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। हे वत्स, कोटि देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते हैं। लोग घर बार छोड़कर साधना करने के लिए साधु बनते हैं। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म निभाते हुए नारी ऐसी उग्र साधना कर सकती है कि अन्य साधुओं की साधना उसके सामने फीकी पड़ जाए। ऐसी देवियों के पास एक पतिव्रता धर्म ही ऐसा अमोद शास्त्र है जिसके सम्मुख बड़े से बड़े वीरों के शस्त्र भी कुंठित हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री अनायास ही योगियों के समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। सती अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों देवी देवताओं को अपने पतिव्रत धर्म के बल से 6-6 महीने के दूध पीते बच्चे बना दिए थे। सती चांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया था। सती सावित्री ने अपने भ्राता के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। एक ही जन्म में जो एक पतिनिष्ठ रहती है वह पतिव्रता है। सत्य संकल्प से अन्य जन्मों में भी उसी पति को प्राप्त करती है, वह सती है। यही पासला साधु और संत के बीच में है। साधु की मेहनत जारी है, संत की सब मेहनत पूरी हो गई है। जैसे सती में पति से ज्यादा सामर्थ्य आ जाता है, वैसे ही संत में इष्ट से भी ज्यादा सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे संत कबीर जी कहते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीरा, सती साध्वी नारी अपने पतिव्रतव्य के प्रभाव से पापी पुरुषों की पाप भावनाओं को नष्ट कर सकती है। रावण के साम्राज्य में अकेली सीता माता ने अपना संरक्षण इसी बल पर किया था। ऐसी पतिव्रता साध्वी भक्त योगिनी और आध्यात्मिकता में जगी हुई ब्रह्म निष्ठा महान नारियां इस पृथ्वी को पवित्र करती है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी साध्वियां नारियों में भी निवास करते हैं। देवताओं और मुनियों का तेज सती स्त्रियों में स्वभावतः ही रहता है। सतियों की चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है।